2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटका की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है आज कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है अभी पचास हजार से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर उनकी रिहाइश का हक मिला हक्कू पत्र मिला है ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों गुंग परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी बिदर यादगीर रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका सरकार ने 3000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री मुंबई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले तो जाइए हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहने परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई आज आप सभी के लिए का सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है भाई और बहनों डबल इंजिन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था समाज के हर भेदभाव हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र में भी वही भावना है जो भगवान बसवेश्वर आने हमें दी थी आज कलबुर्गवी में हम इसी भावना का विस्तार देख रहे हैं